Very good morning everyone, that's me Govinda Agre. You are watching me on my channel Govind Sir English Classes. Please guys do subscribe my channel and hit the bell icon. Guys subscribe कर दो, बहुत कम subscription मिल रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, support कर ही नहीं रहे हो आप. देखो मैं थोड़ा एक एक दो मिनट की वीडियो बनाऊंगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, जैसे आई एम, अभी इसको आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर. अब यहां पे हमें ऑन लगाना है या इन लगाना है, कंफ्यूजन ही होता है. कुछ बच्चे तो ऑन ही लगाएंगे कि ऑन बैठे हैं ऊपर, कुछ बच्चे कहेंगे इन लगाएंगे, पर मैं आपको रीजन बताता हूं. जैसे आप चेयर पे बैठे हुए हैं, अगर वो आर्म चेयर है, वो अगर आर्म चेयर है, आर्म चेयर जिसमें हाथ लगे हुए हैं, हाथे लगे हुए हैं, तो हमेशा ध्यान रखना वहां पे लगाएंगे आप इन, वहां पे लगाएंगे आप इन. अगर ऐसी कोई चेयर जिसमें आर्म चेयर नहीं है, मतलब ऐसी कोई चेयर जिसमें आर्म नहीं है, हत्ते नहीं है, तो आप लगाएंगे उसमें ऑन. तो दोनों इस तरीके से सही हो जाते हैं. आपको ये देख के ध्यान रखना है, जैसे आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, ये तो नॉर्मली बोल दिया. अगर मैंने ऐसे बोला आई एम सिटिंग इन एन आर्म चेयर, तो ये दोनों सही हो गए. अब ध्यान रखना किस चीज की बात की थी मैंने, अगर कुर्सी में हत्ते लगे हुए हैं तो वो इन लगाना है, कुर्सी में हत्ते नहीं, कुर्सी वैसी गोल है तो हमेशा ऑन लगाना है, बस इतना ध्यान रखना है. सो थैंक यू वेरी मच गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल. इन और ऑन में ये फर्क होता है, बैठने में जब चेयर पे बैठते हैं. थैंक यू सर.